मैं आरती वाल्मीकि बटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश से, और ये है ग्राम नरसिंहगढ़ ब्लॉक पथरिया। ग्राम नरसिंहगढ़ के वार्ड नंबर 6 में रहने वाली सपना वाल्मीकि इस समस्या में समस्या से पीड़ित है कि उसके पास शौचालय नहीं है। सपना भाई वाल्मीकि ने कलेक्ट्रेट जाके शौचालय के लिए अपने मोहल्ले के 17 लोगों के साइन करके आवेदन लेके गई, जिस पे उसको मंजूरी भी मिली और उन लोगों के लिए शौचालय का आदेश भी आ चुका था, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को शौचालय की सुविधा दी जा रही थी और कुछ लोगों को नहीं दी जा रही थी, लेकिन कुछ के हजम कर जाने के चक्कर में सचिव और सरपंच थे जिसके खिलाफ सपना वाल्मीकि ने आवाज उठाई। हमारा गड्ढा ऐसी जगह है बिल्कुल दोरे के पास में, तो बच्चे आ रहे जा रहे तो उसमें गिर रहे उठ रहे हैं, और हम उनको बार बार जाके बोल रहे हैं कि भैया हमारा सामान भेजो और हमारा काम चालू करवाओ, तो बोलते हैं कि हो जाएगा, बार बार जय जय दिलासा देते हैं। जब ऊपर से आदेश आ गया तो तुम क्यों पीछे हट रहे, हमारा सामान क्यों नहीं भेज रहे हैं? 4 लोगों का रह गया है, 4-5 लोगों का। ये गड्ढा कब खोदा था आपने? ये गड्ढा 20 दिन हो गए हैं, 20 दिन में देखो कितना पुर गया है। जो हमारी मम्मी ने लड़ाई की है उसकी वजह हम लोग ही हैं। हम लोग बाहर जाते हैं लैटिंग करने के लिए और लड़के देखते हैं, वो हल्ला उड़ाते हैं हम लोगों का। हम लोग आके मम्मी को बताते हैं, इसलिए हमारी मम्मी को हम लोगों ने बताया, तो मम्मी ने लड़ाई लड़ी है और लड़नी चाहिए। सरपंच ने बोला कि गड्ढा करो, अब सरपंच ने नहीं खुदवाया, मैंने अपनी मजूरी लगा के 500 रुपये में खुदवाया। अब कुछ सामान नहीं आते, बच्चे गिरते हैं उठते हैं, हमारे छोटे छोटे जानवर गिरते हैं। तो फिर जब से कुछ सामान आमान गिराया उन्होंने की कुछ नहीं गिराया ना, हमारे यहाँ सामान गिरा, और हमने एक दो बार सामान लाने वालों से बोले थे कि सबका सामान गिर रहा है, हमारा क्यों नहीं दे रहे थे? दे देंगे, जब आपका आएगा तो दे देंगे, ये बोल देते हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि या तो इसको कम्प्लीट करवाया जाए या इसको बंद करवा दिया जाए, उसमें बच्चे भी गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि वार्ड नंबर 6 में रहने वाला वाल्मीकि समुदाय मेरा अपना समुदाय है, मेरा समाज है। मैंने ये वीडियो इसलिए भी बनाया है कि जो मेरा संगठन दलित वंचित विकास मंच की महिलाएं हैं, मैं उनका कुछ साथ दे सकूं। मेरी आप सभी प्रभावित लोगों से अपील है कि हमारे जिला सीओ श्रीमान जटिया जी को फ़ोन करें, जिनका फ़ोन नंबर है 94-25-15-19-33, और बदलाव की कोशिश करें, बदलाव का दबाव बनाएं। मैं आरती वाल्मीकि बटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।